नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूँ राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और 2 मैंने पहले ही दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर वाइट लाइन में लिंक आ रहा होगा, चैनल में आकर उन्हें भी देख लेना। आज आपके फिर से टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं राजस्थान जीके के, जो आपके राजस्थान के सभी एग्जाम्स में यूजफुल रहेंगे, जैसे कि राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाईकोर्ट, रीट, RPSC, RSMSSB व राजस्थान के जितने भी सभी एग्जाम्स में जिनमें भी आपका राजस्थान जीके पूछा जाता है, सभी में आपके यूज़फुल रहेंगे। तो वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ भाव भट्ट राजस्थान के किस शासक के दरबार में था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा अनूप सिंह, सवाई राम सिंह या महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शंस के आधार पर फटाफट से जवाब दीजिए इसका। तो जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराजा अनूप सिंह। जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे भाव भट्ट, वो इनके दरबार में संगीतज्ञ थे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए इन सभी को। तो कब की गई थी दोस्तों, 25 जून 1975 को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस साइड आपके जिन्होंने रचना की है, जिनकी रचनाएं है वो लिख रखा है, और इस साइड जिन्होंने उन चीज़ों की रचना की है वो सभी है, जैसे कि हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी। इस हिसाब से चारों पढ़ लीजिए, जो भी गलत है वो आपको यहाँ पे बता देना है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। कौन सा पेयर गलत है ये आपको बताना है। तो आपको दिख गया होगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई की काव्य रचना नहीं है। चंद्रबरदाई की काव्य रचना आपको पता हो कि पृथ्वीराज रासो है। अब ये पृथ्वीराज विजय किसकी है, यह है जयानक की। बाकी हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी की है। वंश भास्कर किसकी है, सूर्यमल मिश्रण की है। कुवलय माला किसकी है, उगोतन सूरी की है, उगोतन सूरी की है। इस हिसाब से ये 3 तो एकदम सही थे, ये एक आपका बी वाला गलत था, जो कि मैंने आपको सही करके बता दिया है। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या इनमें से कोई भी नहीं, फटाफट से बताइए। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, श्रावण पूर्णिमा को। और इस दिवस पर राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी। अभी राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पे है, जयपुर में, ये तो आप सभी को पता होगा। और राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई थी, 1980 को, संस्कृत दिवस के मौके पर ही की गई थी। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन कि राजस्थान में भित्ति चित्रों की चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं, सांझी चित्रण कहते हैं, बांडना कहते हैं या फिर आरायश कहते हैं। इनमें से आपने कुछ सुन रखे होंगे, कुछ नहीं सुन रखे होंगे, अगर पता है तो फटाफट से जवाब दे दीजिए। क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी वाला, उसे कहते हैं आरायश। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी या फिर थेवा कला, किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का मोलेला गांव। सातवां क्वेश्चन कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता करने हेतु किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। बूंदी, जयपुर, करौली या फिर झालावाड़, बताइए फटाफट से। तो किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी दोस्तों, करौली ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था। मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या फिर साधु सीताराम दास, किससे था इनका संबंध। तो किससे था दोस्तों, मोतीलाल तेजावत से। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा नौवां क्वेश्चन कि डाबड़ा कांड का संबंध किस स्थान से है। ब्यावर, नागौर, डीडवाना या फिर जोधपुर। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके फॉलो कर लो, वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। और पीछे की जो भी वीडियोज़ हैं
उनकी पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड कर दी गई है। तो नौवें का आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों सी वाला, डीडवाना। डाबड़ा कांड का संबंध किस स्थान से है? डीडवाना से। दसवां क्वेश्चन के प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मुराद अली, दुर्गा प्रसाद चौधरी, विजय सिंह पतेक या फिर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था फटाफट से बताइए। तो क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी वाला, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था कहाँ से? जोधपुर में। ये प्रारंभ कहाँ पे किया गया था? जोधपुर में प्रारंभ किया गया था। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन के उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए फटाफट से। जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, कहाँ स्थित है उदयनाथ पर्वत? अगर आपने सी ऑप्शन टिक किया है तो एकदम सही किया है, ये स्थित है दोस्तों अलवर में। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन के कालीसिल नदी का उद्गम के नहीं है किस जिले से होता है? ठीक है, उद्गम किस जिले से होता है? झालावाड़, करौली, जयपुर या फिर बूंदी? बताइए फटाफट से। क्या है कि बड़ी बड़ी नदियों के नाम सबको पता होते हैं कहाँ से आती है कहाँ आती है, कोई छोटी नदी होती है जिनके बारे में कम सुना होता है, तो वैसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करौली से इसका उद्गम होता है। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था? बीकानेर, नोखा, हनुमानगढ़ या फिर सूरतगढ़? कहाँ से किया था इन चार ऑप्शन में से बताइए। तो कहाँ से किया था दोस्तों? सूरतगढ़। डी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? 11वीं, 2वीं, 8वीं या फिर 3वीं? कौन सी अनुसूची है बताइए जिसमें पंचायतों की शक्तियाँ उससे संबंधित हो, बताइए। तो क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों की शक्तियाँ बता रखी है, इससे यह संबंधित है। 15वां क्वेश्चन कि किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है? धन विधेयक, उपराष्ट्रपति की पदच्युति, अविश्वास प्रस्ताव या फिर संविधान संशोधन विधेयक? किस मामले में बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डी ऑप्शन टिक किया है तो एकदम सही है, संविधान संशोधन विधेयक। इस मामले में राज्यसभा जो है वो लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है। 16वां क्वेश्चन कि हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? बताइए फटाफट से, कब बनाया गया था? 1989, 1987, 1994 या फिर 1991 में? तो कब बनाया गया था दोस्तों? 1994 में। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो जिला बना था कौन सा नंबर का जिला बना था ये आपको बताना है। जैसे होता है ना कि 28वां जिला था, 29वां जिला था, 30वां या 25वां, 20वां जो भी है, 1994 में बना था, कौन सा जिला बना था राजस्थान का ये आपको बताना है, कौन से नंबर का बना था ये आपको कमेंट में जवाब देना है। 17वां क्वेश्चन कि शहरी क्षेत्रों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? जयपुर, अलवर, बाड़मेर या फिर कोटा? दशकीय जनसंख्या वृद्धि जर होती है जैसे कि दशकीय कब से? 2001 से 2011, ये पूरा दशक हो गया, इसके बीच में जनसंख्या वृद्धि कहाँ सबसे ज़्यादा थी, सबसे ऊपर किसकी थी? तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अलवर की थी। कितनी थी 2001 से 2011 के बीच में, कितनी वृद्धि थी? 50.5%। इस आंकड़े के साथ ये सबसे ऊपर था। 18वां क्वेश्चन के राजस्थान वन संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? 2014 की सारी डेट है। अब आगे आपको देखते हैं कि 14 जनवरी 2014, 2 अगस्त 2014, 13 अप्रैल 2014 या फिर 4 मार्च 2014 कब लागू किया गया था बताइए फटाफट से। तो कब किया गया था दोस्तों? 4 मार्च 2014 को। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राजस्थान वन संशोधन अधिनियम लागू हुआ था 4 मार्च 2014 को। 19वां क्वेश्चन के राजस्थान का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है?
ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किस ज़िले में होता है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, झालावाड़, फटाफट से बताइए। दो तीन ज़िले एकदम पास पास के हैं। तो 19 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों ए, जोधपुर। सर्वाधिक क्या होता है? सेकंड नंबर पे है बीकानेर, तीसरे पे है नागौर। सबसे कम की बात करें तो वो झालावाड़ है सर। न्यूनतम की अगर बात करें तो झालावाड़ हो गया, जोधपुर पहले पे, फिर उसके पीछे आपके बीकानेर और नागौर आ जाता है। 20वां क्वेश्चन के राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का प्रथम चरण राजस्थान में कब लागू किया गया? सब डेट आपके 2017 की है, 12 मार्च 2017, 1 जनवरी 2017, 14 फरवरी 2017 या फिर 2 अप्रैल 2017। कब लागू किया गया ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 2017 को लागू किया गया था राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का प्रथम चरण राजस्थान के अंदर। और दोस्तों अगर आपको कोई भी पर्सनली डाउट पूछना तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, RATHORE11ABHI, ये इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। साथ ही साथ फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके उन्हें भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो चुके हैं। आपका जो भी स्कोर रहा हो कमेंट करके बता दीजिए कि हमारे इतने सही हुए, इतने गलत हुए। और डेली शाम को इवनिंग में आ जाना, ये टेस्ट आपका डेली होगा आपसे। आज ये आपका तीसरा पार्ट था, पहले दूसरे नहीं देखे हैं तो वो भी चैनल जाके ज़रूर देखना, उनका भी टेस्ट ज़रूर देना। और ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।